Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इंडिया ट्रू डिफेंस पे। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हाजिर हूँ आज के डिफेंस 101 एपिसोड 9 के साथ। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाल ही में इंडिया द्वारा टेस्ट किए गए न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में, और इसका डिटेल्ड कंपेरिजन करेंगे। इसी क्लास में दुनिया भर में जितनी भी मिसाइल्स हैं उनके साथ इसका कंपेरिजन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि ऐसा डिटेल्ड कंपेरिजन और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको कहीं मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती क्या हैं। तो बेसिकली ये मिसाइल्स बनाई गई होती हैं दुश्मन के रडार्स को ध्वस्त करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कोई भी आपकी राइवल कंट्री रडार सिस्टम यूज़ करती है आपके फाइटर जेट्स या फिर मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए और उनको ध्वस्त करने के लिए अपने BMD के थ्रू। तो उन्हीं रडार सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स बनाई गई हैं, जो कि बेसिकली दुश्मन के रडार से आ रहे रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी को सेंस करके, डिटेक्ट करके, उनको ट्रैक करके ख़त्म करती हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि मैक्सिमम रडार सिस्टम्स रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती हैं, और उन्हीं रेडियो वेव फ्रिक्वेंसीज को ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स डिटेक्ट कर लेती हैं और अपने कैरी कर रहे वॉरहेड के थ्रू उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो दुश्मन देश है वो अपने रडार्स ऑफ कर लेते थे, जिसकी वजह से जो आ रही एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो गुमराह हो जाए, वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो इसके लिए भी इन मिसाइल्स पे पैराशूट दिया गया होता है जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। उस पैराशूट को रिमोटली खोला जा सकता है, जिसकी वजह से इस मिसाइल के इंजन्स ऑफ हो जाएंगे और पैराशूट खुलने की वजह से इसका जो एल्टीट्यूड लॉस है वो धीरे धीरे होगा, ताकि जब दोबारा से दुश्मन का रडार ऑन किया जाएगा तो ये अपने पाथ पे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए चल पड़ेगा। लेकिन जितने समय के लिए भी दुश्मन का रडार ऑफ रहेगा उतने टाइम के लिए दुश्मन वल्नरेबल रहेगा, उस टाइम कोई भी उनके टेरिटरी में घुस सकता है। तो ये जो भी सिस्टम मैंने आपको बताया कि रडार को ऑफ कर लेना और मिसाइल को गुमराह कर देना, ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में, जिसे NGARM के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इसका डेवलपमेंट 2012 में स्टार्ट किया गया था और उसके बाद से कोई भी टेस्ट अभी तक कंडक्ट नहीं किया गया है, और पहली बार ही 24 जनवरी को इसके टेस्ट को अंजाम दिया गया है, वो भी सक्सेसफुली। तो मैं आपको इंडिया के न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल की कुछ खासियत बता देना चाहूँगा। तो ये मिसाइल यूज करने वाला है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार। ये यूज़ करने वाला है मिलीमीटर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, और इसका इंजन डुअल प्रोपल्शन सिस्टम का है, जो कि दो स्टेज में बटा हुआ है। पहला जो स्टेज है उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाएगा, और इसका जो दूसरा स्टेज है उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाएगा। और ये एक रैमजेट इंजन है, और इसकी स्पीड तकरीबन 3.5 मार्क से 4 के बीच में हो सकती है, और ये 110 से लेके 125 किलोग्राम वॉरहेड कैरी कर सकता है अपने साथ। और इस मिसाइल का वेट 140 किलोग्राम का है, और ये मिसाइल सुखोई 30 MKI से फायर किया गया है, उसके लिए काफ़ी कंपैटिबल है, और इसको तेजस MK-1A और MK-2 पे डिप्लॉय भी किया जाएगा। और इंडिया के NGARM में लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दोनों मोड्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर एनिमी का रडार बाद में ऑफ भी कर लिया जाता है तो ये मिसाइल उसकी लोकेशंस पहले ही लॉक कर लेंगी अपने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के थ्रू। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर रडार का लोकेशन लॉन्च करने से पहले ही इस मिसाइल में प्रोग्राम कर दिया जाएगा। बात करते हैं इस मिसाइल में दिए गए मिलीमीटर वेव लेंथ की। तो मैं आपको बता दूं, मिलीमीटर वेव्स, जिसे MMW के नाम से भी जाना जाता है, ये वेव्स बहुत ही छोटी वेव लेंथ की वेव्स होती हैं, और इनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, और ये वेव्स काफ़ी डेंस होती हैं। तो इन वेव्स के पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है या फिर किसी भी तरह की कोई हायर वेव लेंथ की वेव क्रॉस करती है तो ये उनको तुरंत डिटेक्ट कर लेती है। तो इंडिया के NGARM में MMW के यूज हो जाने से जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि ये MMW 30 GHz से लेके 300 GHz वाले वेवलेंथ का यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से इसका कोलैबोरेशन इस रडार के साथ हो जाने से ये और डेडली बन जाता है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 1 m² की होगी, मतलब अगर ये कोई भी मिसाइल फायर करता है तो वो उस टारगेटेड ऑब्जेक्ट के 1 m² एरिया में जाके गिरेगा। तो कहने का सीधा मतलब यह है प्रिसीजन वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं NGARM की इंजन की, जो कि एक डुअल प्रोपेलेंट इंजन है। तो जो इसका फर्स्ट स्टेज होगा उसमें सॉलिड फ्यूल्स होंगे,
और जिसका सेकंड स्टेज होगा उसमें लिक्विड फ्यूल्स होंगे। और लिक्विड फ्यूल में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा। और आपको बता दूं, इसमें डुअल प्रोपेलेंट होने की वजह से एक स्पेशल एलिमेंट यूज किया जाएगा जिसे मोनोमिथाइल हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। और इस एलिमेंट के इसमें यूज हो जाने से जो इस मिसाइल की मनूवर है किसी एक ऑर्बिट में वो बहुत ही फास्टली बढ़ जाएगी। और लेटर स्टेज में अगर थ्रस्ट चाहिए होगा, हाई पावर चाहिए होगी, तो ये जो इसका डुअल स्टेज प्रोपल्सन सिस्टम है ये उसको हायर थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा किसी ऑर्बिट में फास्टली मनूवर करने के लिए। तो ये एक बड़ा एज माना जाएगा इसी क्लास में अदर मिसाइल्स के कंपेयर में। तो हम अभी देखेंगे कि इसी क्लास में अदर मिसाइल्स कहाँ तक पहुँचे हैं। पहले NGARM के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं तब, क्योंकि ये वीडियो शायद लंबी होने वाली है। अब बात करते हैं NGARM की सीकर टेक्नोलॉजी की। तो जो NGARM की सीकर टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की अपनी इंडिजिनस सीकर टेक्नोलॉजी है। जैसा कि आपने लास्ट ईयर ही देखा हुआ कि एक देसी सीकर ब्रह्मोस पे टेस्ट किया गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी सीकर को NGARM में लगाया जा रहा है। और उस सीकर की सबसे बड़ी खासियत यह है, सिर्फ वो एक सीकर कैपेबल है मल्टीपल रडार बैंड को यूज करने में। मतलब सिर्फ एक सीकर का इस्तेमाल करके जितनी भी तरह की रडार फ्रिक्वेंसीज हैं सबको ट्रैक किया जाएगा। और बेसिकली किसी भी मिसाइल की सीकर टेक्नोलॉजी काफ़ी अहमियत रखती है, जो कि किसी भी मिसाइल को ये सचेत करती है कि आपके ऑनर की वेवलेंथ ये है जिससे कि वो मिसाइल से कम्युनिकेट कर रहा है, और ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसे जाके हिट करना है। तो सीकर टेक्नोलॉजी इन मायनों में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है और मिसाइल की प्रिसीजन में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ब्रह्मोस की सीकर टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में, और इसके पीछे काफ़ी लोग पड़े हुए हैं और इंडियन साइंटिस्ट को हनी ट्रैप के थ्रू ये टेक्नोलॉजी पाना चाहते हैं, जैसा कि आपने पिछले कुछ मंथ्स में ऐसी खबरें सुनी होंगी। तो ये थी कुछ खास विशेषताएं इंडिया के NGARM मिसाइल की। तो चलिए इसे कंपेयर कर लेते हैं दुनिया की अदर एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ। और NGARM की रेंज तकरीबन 120 से लेकर 125 किलोमीटर के बीच में बताई जा रही है। तो हम इसका कंपेरिजन करने वाले हैं रशियन KH-31, चाइनीज YJ-91 और अमेरिकन AGM-88 हार्म से। तो बात करते हैं प्रोपल्सन सिस्टम की। तो NGARM में है डुअल प्रोपल्सन सिस्टम, जो कि ना ही अमेरिकन हार्म में है ना ही चाइनीज YJ-91 में है, जो कि रशियन KH-31 में है। तो बात करते हैं रडार्स की। तो ईसा रडार इंडिया के NGARM में है। रशियन, चाइनीज और अमेरिकन मिसाइल में पहले नहीं थे और अब आ गए हैं उनमें ईसा रडार। पहले वहाँ पे पीसा रडार यूज हुआ करते थे। बात करते हैं वॉरहेड कैरी करने की। तो इंडिया के NGARM कैरी करने वाला 110 से लेकर 115 किलोग्राम का वॉरहेड, वहीं पर अमेरिकन हार्म 126 किलोग्राम वॉरहेड कैरी करता है, और चाइनीज क्लेम करते हैं 150 किलोग्राम वॉरहेड कैरी करने की, और रशियन KH-31 तकरीबन 88 किलोग्राम वॉरहेड कैरी करता है। बात करते हैं स्पीड की। अमेरिकन हार्म की स्पीड है Mach 2.5, चाइनीज YJ-91 की स्पीड है जो कि वो क्लेम करते हैं 4.5 मार्क, और रशियन KH-31 की स्पीड है 3.5 मार्क। जैसा कि प्रोपल्सन सिस्टम इंडिया के NGARM में प्रोवाइडेड है, तो ये Mach 4 से ऊपर होगा इसकी स्पीड। अब बात करते हैं सीकर टेक्नोलॉजी की। तो जो अमेरिकन हार्म मिसाइल है वो एक सिंगल सीकर यूज़ करती है, जो कि कैपेबल है मल्टीपल रडार वेव्स को डिटेक्ट करने में, जो कि काफ़ी सिमिलर है इंडिया के NGARM की तरह। वहीं पे जो रशियन सीकर टेक्नोलॉजी है वो मल्टीपल सीकर एरे यूज़ करती है मल्टीपल वेवलेंथ को डिटेक्ट करने के लिए, और चाइनीज भी अभी फ़िलहाल मल्टीपल सीकर एरे यूज़ कर रही है मल्टीपल रडार वेव को डिटेक्ट करने के लिए। और वो अभी काम कर रहे हैं कि एक सिंगल सीकर के थ्रू मल्टीपल वेव्स को डिटेक्ट किया जाए, अभी उनका काम उस पर चल रहा है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि जो चाइनीज़ YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उन्होंने रशियन KH-31A मिसाइल की कॉपी करके बनाई हुई है और उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो इंडिया के NGARM को डुअल प्रोपल्सन सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जो कि चाइनीज और अमेरिकन हार्म को वो एडवांटेज नहीं मिलने वाले हैं। और वो एडवांटेज है किसी भी एक फिक्स ऑर्बिट में क्विक मनूवर करने का विद हायर थ्रस्ट, वो सिर्फ डुअल प्रोपल्सन सिस्टम के साथ ही पॉसिबल हो पाता है। तो अब बात करते हैं NGARM के इंडक्शन की। तो जहाँ तक पॉसिबल है, NGARM का इंडक्शन 2020 के मध्य या फिर 2020 के एंड तक हो सकता है, क्योंकि अभी इस पे 2-3 टेस्ट और किए जाने हैं, जैसा कि डिफरेंट वेदर्स में और डिफरेंट कंडीशंस में इस पे टेस्ट किए जाएंगे। जैसा कि नाइट कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा और एडवर्स वेदर में टेस्ट किया जाएगा। अगर ये सारे टेस्ट सक्सेसफुल होते हैं तो इसे मास प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा। होप सो ये सारे प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट हो और 2020 के मध्य या फिर 2020 के एंड तक, जैसा कि प्लान्ड है, इसे मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाए। तो ये था आज का डिफेंस डिस्कशन 101 एपिसोड। मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा एपिसोड हो गया है, मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ कवर कर पाऊँ, तो शायद कुछ चीज़ें रह गई होंगी, लेकिन फिर भी आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।